बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के हमारा वीडियो का टॉपिक ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के बारे में हमने स्टडी करने है। व्हाट इज ज्योमेट्री? सबसे पहले तो ज्योमेट्री जो है वो टू वर्ड्स का कम्बिनेशन है। जियो मीन्स अर्थ एंड मेट्री मीन मेट्री इज ड्राइव फ्रॉम मेट्रॉन मीन मेयरमेंट। जियो मीन अर्थ एंड मेट्रॉन मीन मेयरमेंट्स, यानी कि ज़मीनी पैमाइशों को हम ज्योमेट्री कहते हैं। ज्योमेट्री के अंदर एन क्लोज फिगर हैविंग थ्री और मोर साइड इज कॉल्ड एज अ पॉलीगॉन। पॉलीगॉन की डेफिनेशन से हम स्टार्ट लेंगे। सबसे पहले मैं पॉलीगॉन की यहाँ पे हेडिंग देता हूँ। पॉलीगॉन close figure having three, जिसकी तीन या तीन से ज्यादा sides होंगी, three or more sides called as polygon। कोई भी figure है, अब polygon three figure से start होगी। अगर वो three sided है तो हम थ्री साइडेड की बात करते हैं। थ्री साइडेड में कौन सी आएगी? थ्री साइडेड के अंदर हमारे पास ट्रायंगल्स आएंगी। ट्रायंगल्स की टाइप्स, उनके बारे में हम एक अलग से वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे। देन हमारे पास फोर साइडेड आएगी। फोर साइडेड के अंदर काफ़ी सारी पॉलीगॉन्स आती हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, काइट, पैरेललोग्राम एंड अदर मोस्ट। और देन फाइव साइडेड होगी। इसी तरह फाइव साइडेड के अंदर भी दो तीन टाइप्स हैं, सिक्स साइडेड एंड सेवन एंड सो ऑन एट साइडेड। अभी मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ वन बाई वन थ्री साइडेड से स्टडी करना। सबसे पहले हमारे पास थ्री साइडेड पॉलीगॉन, मैं यहाँ पे हेडिंग देता हूँ थ्री साइडेड पॉलीगॉन। थ्री साइडेड पॉलीगॉन के अंदर हमारे पास आएगी ट्राइंगल, ट्राइंगल। और ट्राइंगल को हमने ब्रीफली स्टडी करना है, शॉर्टकट हमने इनके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है। ट्राइंगल के सिक्स पैरामीटर्स होते हैं, थ्री साइडेड एंड थ्री एंगल्स। टोटल इसके पैरामीटर्स होते हैं सिक्स, थ्री साइडेड और थ्री एंगल्स। एंड द टोटल मेजरमेंट ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ये मस्ट कंडीशन है ट्राइंगल्स के लिए। जो मस्ट कंडीशंस हैं वो हम यहाँ पे आपको रेड डॉट्स की मदद से, यानी के थ्री साइड्स ये मस्ट कंडीशन है एंड थ्री एंगल्स ये उसकी मस्ट कंडीशन है। एंड इफ यू मूव फॉरवर्ड इसके बाद 180 डिग्री, यानी जो मेजरमेंट है एंगल्स की वो क्या हो, 180 डिग्री हो, ये इसके लिए मस्ट कंडीशन है। और इसके लिए बाकी कोई भी पैरामीटर ऐसा नहीं है जो इसके लिए मस्ट हो। मजीद हम अब फोर साइडेड पॉलीगॉन के अंदर जाएंगे। उसके अंदर हमने दो एग्जांपल्स देखनी है जो ज़्यादा फेमस है। सबसे पहले स्क्वायर है, उसके बाद हमारे पास रेक्टेंगल है। स्क्वायर अ पॉलीगॉन हैविंग four sides equal in length is called as square, and a polygon having two opposite sides equal in length is called as a rectangle. But दोनों में जो common factor है वो ये होगा कि दोनों के जो angles हैं वो right angle होंगे, यानी कि इसके जो four angle होंगे वो right angles होंगे, 90 degree इनकी measurements होंगे। इसी तरह सेम स्क्वायर के अंदर भी आप देखें ये भी 90 डिग्री पे होंगे। एंड द मेजर डिफरेंस इनके अंदर मेजर डिफरेंस यही होगा कि इसमें सिर्फ ऑपोजिट साइड इक्वल इन लेंथ होंगी, जबकि इसमें ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। इसके बाद हम जाएंगे फाइव साइडेड पॉलीगॉन के अंदर। फाइव साइडेड पॉलीगॉन के अंदर हमारे पास आएगी पेंटागॉन। पेंटागॉन
पेंटागॉन रेगुलर भी हो सकती है और इरेगुलर पेंटागॉन भी हो सकती है। अगर इसके ऑल साइड्स जो है वो इक्वल इन लेंथ होंगी तो उसको हम रेगुलर पेंटागॉन का नाम देंगे, और अगर उसकी जो साइड्स हैं वो कम ज़्यादा लेंथ में होंगी तो फिर हम उसको क्या कहेंगे, इरेगुलर पेंटागॉन कहेंगे, इरेगुलर पेंटागॉन। इसके बाद सिक्स साइडेड, सेवन साइडेड एंड सो ऑन, एट साइडेड। यहाँ पर जो है हमारा पॉलीगॉन का टॉपिक एंड होगा। मैं जस्ट ब्रीफली इनके नेम्स यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। हमारे पास जो सिक्स साइडेड होगी उसको हम हेक्सागोन कहेंगे, सिक्स साइडेड को हेक्सागोन, और इसी तरह सेवन साइडेड को आप क्या कहेंगे, हेप्टागोन, एंड सो ऑन। एट साइडेड को आप क्या कहेंगे, ऑक्टागॉन, एंड सो ऑन। ऑक्टागॉन यहाँ पे हमारे पास ये पॉलीगॉन का जो टॉपिक है वो क्लोज होता है। इसके बाद हमने अब नेक्स्ट इसके अंदर जो स्टडी करना है वो हमने ट्राइंगल्स को वन बाय वन लेके चलना है। ट्राइंगल्स के अंदर हम ब्रीफली देखते हैं कितनी टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स की बात करते हैं यहाँ पे, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। हमारे पास कितनी टाइप्स की ट्राइंगल्स होती हैं। सबसे पहले हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड्स, तीनों एंगल जो है वो इक्वल इन लेंथ होंगे, ठीक है। तो थ्री साइड्स, मैं जस्ट इनकी फिगर नहीं बताता, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखता जाता हूँ। थ्री साइड्स क्या होंगी, इक्वल इन लेंथ होंगी, इक्वल इन लेंथ, और सिमिलरली थ्री एंगल्स मस्ट बी इक्वल इन लेंथ, इक्वल इन लेंथ या मेजरमेंट आप कह सकते हैं। ये इसके जो है वो कंफर्म पैरामीटर्स हैं। इसके बाद आप आ जाए आइसोसेलस ट्राइंगल है हमारे पास, ये हमारे पास थे इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब आती है हमारे पास आइसो सेलस ट्राइंगल। इसका क्या होता है, टू साइड्स एंड टू एंगल्स इक्वल इन लेंथ। ये ज्योमेट्री का रूल है, हमेशा जितनी साइड्स इक्वल इन लेंथ होंगी उतने ही एंगल्स इक्वल इन लेंथ होंगे। जैसे कि टू साइडेड, टू साइड्स इक्वल इन लेंथ, एंड सो ऑन, टू एंगल्स इक्वल इन लेंथ, टू एंगल्स इक्वल इन लेंथ। इसी तरह लास्ट टाइप जो है हमारे पास वो है इक्विलेटरल ट्राइंगल। आइसोसेलस और राइट एंगल ट्राइंगल, अ ट्राइंगल इन विच वन ऑफ द एंगल मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्री। एक ऐसा एंगल जो मस्ट बी 90 डिग्री हो, एक एंगल मस्ट बी 90 डिग्री हो, उसको हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। आज की वीडियो में हमने तीनों ट्राइंगल्स की टाइप देखी हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमने पैरेललोग्राम, स्क्वायर और रेक्टेंगल, इन तीन को लेके चलना है। आज की वीडियो में इतने ही। अल्लाह हाफिज़।